अस्सलाम वालेकुम विर्गोस, मैं हूं शेख जब्बार रज़ा जावा, आपका अपना एस्ट्रोलॉजर। हम्द व सना है रब्बुल इज़्ज़त की, दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद। वीकली हॉरोस्कोप 29 नवंबर से लेके 5 दिसंबर तक है। ये यकीनन नए महीने के आगाज में आपको बड़ी गुड न्यूज़ देने जा रहा है, चूंकि आपका अपना रूलिंग प्लैनेट मरकरी इसी वीक में जो है वो ट्रांजिट कर रहा है। इसके अलावा पिछले हफ्ते में आपके लिए बड़ी अच्छी खबरें थी, लेकिन एक कदर मोहतात रहने वाली खबर भी है, 30 नवंबर को जुजवी कमरी ग्रहण होगा। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में आपको मैं बताऊंगा, स्पेशली सन और मरकरी जो कि आपके फोर्थ हाउस में इकट्ठे हो रहे हैं। ये आपका अपना साइन लॉर्ड भी है, मरकरी आपके कैरी रोजगार का भी है, चौथे आपके घर फैमिली खानदान सोसाइटी में आपके इज्जत वकार से रिलेटेड करेगा। इंशाल्लाह बहुत कुछ आपके लिए है। सो इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा, और वीडियो देखने के बाद अगर दोबारा हमारे चैनल पे आना चाहें तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर पुश कर लीजिएगा ताकि तमाम वीडियोस आपको मिलती रहे। लास्ट वीक मैंने आपको बताया था कि 27 नवंबर को शरफ़ कमर होगा, जो कि आपके जायचे के नामे घर में होगा। ये आपके 11वें घर का भी हाकिम है, गुड लक का, फ्रेंड्स का, गेंस का, अचीवमेंट्स का। और आपके 9th हाउस में जो कि आपके स्पिरिचुअलिज्म का भी घर है, आपके सोशली जो करब का घर है, आपके बैरून मुल्क सफ़र का घर है, और आपकी हायर एजुकेशन का भी घर है, स्पेशलाइजेशन जिसको हम कहते हैं। सो यहाँ पे आपको बहुत कुछ जो है वो रिवॉर्ड मिलने की उम्मीद जो है वो की जा सकती है। उम्मीद करता हूँ जब ये वीडियो आपके पास आएगी तो भी आपके पास टाइम होगा। मैंने ये भी पिछली वीडियो में वादा किया था कि इसके ऊपर एक खास वीडियो आपको जरूर दी जाएगी, दुआओं की कबूलियत का खास वक्त और खास अमल। और यकीनन ये वीडियो आप देख चुके होंगे, अगर अभी तक आपने नहीं देखी तो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि कैरी रोजगार के हवाले से, ख्वाहिशात की तकमील के हवाले से, हल मुश्किलात के हवाले से बहुत कुछ जो है उस वीडियो में आपके लिए जो है मौजूद है। इस वक्त आपके लिए जो बेहतरीन जेमस्टोन है उसमें मैं कहूंगा येलो सफायर और फिरोजा आपके लिए बहुत ही जबरदस्त साबित हो सकते हैं। आपका अपना रूलिंग प्लैनेट मरकरी जो है ये 2 दिसंबर को जायचे के चौथे घर में आएगा, सो ये आपके लिए बड़ा ही जबरदस्त होने वाला है। इसके अलावा कैरियर रोजगार का, चूंकि हाकिम सैयारा भी यही मरकरी है, और कैरियर रोजगार के हवाले से मैं आपको स्पेशली जो है वो एमरल्ड रिकमेंड करता हूं, तो लेकिन इस वक्त फिरोजा और येलो सफायर दोनों आपके लिए बहुत ही जबरदस्त साबित हो सकते हैं। हमारी वेबसाइट जावा जेम पे आप बेहतरीन क्वालिटी के स्टोन्स हैं आप ले सकते हैं, और साथ साथ वैरायटीज जो है वो चेंज भी होती रहती है, बहुत कुछ नया आता रहता है, सो विजिट आप जो है कर लिया करें, घर बैठे आप बेहतरीन क्वालिटी के जो रियल स्टोन्स हैं वो हासिल कर सकेंगे। सबसे पहले 27 नवंबर के बाद जो डेट हमारे पास आ रही है वो 30 नवंबर की आ रही है, जुजवी कमरी ग्रहण है। ये आपके 11वें घर का आके मैं आपके 10वें घर में इसको जो है वो ग्रहण होगा। सो इस पे मैं एक अलग वीडियो आपको दे चुका हूँ, चूंकि ये एक बड़ा तफसील तलब चीज़ होती है। इसी वीडियो में मैंने आपको इसमें सदकात भी बताए हैं, आपको क्या पढ़ना है नमाज कुसुफ के हवाले से, ये भी मैंने आपको उसी में गाइड किया है, और यहाँ पे उस वीडियो में भी मैंने बताया है, और यहाँ वीडियो में आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि ये आपके दोस्त अहबाब के साथ तल्लुकात को कशीदा करेगा, आपकी ख्वाहिशात की तकमील की तंसीख कर रहा है, और स्पेशली आपके कैरियर रोजगार को जो है ये डैमेज कर रहा है। आप चाहे मुलाजिम पेशा हैं, चाहे आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, दोनों सूरतों में मामला आपकी ख्वाहिशात के अगेंस्ट आ सकते हैं। इसी तरह आपकी मदर इन लॉ के साथ आपके तल्लुकात भी कुछ खराब हो सकते हैं। ये सब कुछ तब होता है जब आप बर वक्त सदका या नमाज की अदायगी नहीं करते। अगर आप बर वक्त इसकी सदके की और नमाज की अदायगी कर लेंगे तो इंशाल्लाह आप परवरदिगार के अमान में रहेंगे। उस वीडियो में मैंने ये तमाम चीज़ें डिटेल में आपके साथ शेयर की हैं कि इसकी ड्यूरेशन क्या है और बाकी सब कुछ। इसके अलावा सोशल मीडिया के जो पेजेस हैं उसके ऊपर भी आपको मैं अपडेट जो है वो करता रहता हूँ। उसके बाद 2 दिसंबर को जो है मरकरी आपका अपना रूलिंग प्लैनेट जो है ये आपके जायचे के चौथे घर में आ जाएगा, और ये फिर कुदरत की तरफ से आपको एक मौका मिला। मैंने अक्सर ये मुशाहिदा किया है कि अगर एक चीज़ प्रॉब्लमेटिक आपके लिए आ रही है तो उसी वक्त या उसे पहले ही कोई सपोर्ट आपके पास आ चुकी है, या उसके फौरन बाद इमदाद रब्बी आपके पास जो है वो मिल जाती है। सो एग्जैक्टली ये भी यही करने जा रहा है, आप फेम हासिल कर सकेंगे, आप सक्सेस हासिल कर सकेंगे, नए प्रोजेक्ट पे
बड़ी तेजी के साथ आप जो है वो काम करेंगे, कैरियर रोजगार के हवाले से नई अपॉर्चुनिटीज जो है वो आपके सामने आएंगी, माशरे में आप एक नुमाया हैसियत जो है वो हासिल कर सकेंगे। यानी आप जो भी बिजनेस करें, मैं कहता हूँ आप छोटा सा एक काम करें, एग्जाम्पल देता हूँ, रेडी ही लगा रहे हैं आप, आपकी जो सराउंडिंग में लोग हैं उनमें आप नुमाया कारकर्दगी के हामिल हो सकेंगे। इसी तरह अगर आप कोई बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, फैक्ट्री ऑन कर रहे हैं, कोई आप मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो आप अपने हल्का अहबाब में एक नुमाया जो है वो पर्सनैलिटी बन के उभरेंगे। आपकी गुड इंटेंशंस आपको बहुत कुछ अचीव करवाने की तरफ लेके जा रही हैं, यानी आप दूसरों की मदद भी कर सकेंगे, बल्कि आप अपने अजीजों करब की आउट ऑफ द वे जाके भी हेल्प करते हुए नजर आ रहे हैं, वे तो बड़ी दूर की बात है। इसी तरह आप सवारी, प्रॉपर्टी और घर के सुकून को जो है वो हासिल कर सकेंगे। बेहतर सवारी का असूल आपके लिए मुमकिन होगा, पहले से बेहतर कुशादा घर जो है वो आप हासिल कर सकते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से आपको बहुत ज़्यादा फैसिलिटेशंस जो है वो मिल सकती हैं। इसके अलावा जो माशरे के अहम तरीन अफराद हैं, चाहे वो हुकूमती अफराद हों या माशरे में किसी भी हवाले से जो इज्जत रखते हैं, नुमाया अपना नाम रखते हैं, उनसे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स जो हैं वो मिल सकेंगे। आपकी आपके वालदैन दोनों, मैं कहूँगा दोनों आपके लिए बहुत ही सपोर्टिव रोल अदा करें। अगर आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, दोनों तरफ के वालदैन आपके, यानी आपकी आपके अपने रियल मदर और फादर और आपके मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, ये सब आपके साथ बहुत ज़्यादा तआवुन करते हुए नजर आ रहे हैं। बैरून मुल्क जो मुकीम हमारे बहन भाई हैं उनके लिए भी बहुत गुड न्यूज़ हैं। आपकी इमिग्रेशन का मामला जो है वो हल हो सकता है। पाकिस्तान से बाहर रहते हुए आप सवारी और जगह की तब्दीली कर सकेंगे, बल्कि इवन के आप अपने प्लेस ऑफ बर्थ पे, आप जहां भी पैदा हुए हैं वहां पे भी आप जो है जो प्रॉपर्टी का असूल आपके लिए बेहतर होगा। अब आपका प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट जो है वो दे सकेगा। घर में लिटरेचर का माहौल जो है वो बढ़ेगा, यानी आप बहुत कुछ सीखेंगे, गुफ्तगू होगी, मामला बेहतर होंगे। इसी तरह आपके जो बिजनेस के मैटर्स हैं ये आपके घर में भी फैमिली में भी डिस्कस होंगे, और यहाँ पे भी आपको फैमिली की तरफ से बड़ी अच्छी सपोर्ट जो है वो मिलती हुई नजर आ रही। खाना माल का हाकिम सैयारा आपके जायचे के तीसरे घर में जो है ये ववाल में, अब आपके रुझान जो है ना वो थोड़े से चेंज हो रहे होंगे। बड़ी तेजी के साथ आप कुछ अखराजात करने की तरफ आएंगे, जिसमें घर की आराइश होगी, जबाइश होगी, और कुछ अपनी जात के ऊपर भी आप अखराजात करेंगे, लेकिन आपको बहुत मोहतात रहते हुए सोच समझ के इन अखराजात की तरफ जाना है। अदरवाइज आपका वो रिजल्ट आप नहीं हासिल कर सकेंगे जो कि आप हासिल करना चाहते हैं। आपकी मंगनी, शादी, मुलाजमत, कैरियर, रोजगार, दूसरों से व्यवस्था, मादी मफादात, अगर आप कोई लेडी हैं तो आपके स्पाउस से, आपको फाइनेंशियल पोजिशन आपकी, अल्हम्दुलिल्लाह ये तमाम चीज़ें बहुत अच्छी रहती हुई नजर आ रही है। मोहतात आपको रहना है, आपने अपने अजीज़ों करब से भी, अपने बहन भाइयों की सानिब से भी, और अपने सिबलिंग्स की तरफ जाने से भी, यानी जो आपके ससुराली बहन भाई हैं, आपके शोहर या आपकी हस्बैंड के जो बहन भाई हैं, वहाँ से आपको कदर एहतियात की जो है वो जरूरत होगी। ओवर कॉन्फिडेंट होके अपनी गुफ्तगू में कोई खराबी से आपको जो है गुरेज करना है। उम्मीद करता हूँ हमेशा की तरह ये वीडियो भी आपके लिए फ्रूटफुल साबित हुई होगी, और मेरी लास्ट में हर बार गुजारिश होती है कि अगर आप इस वीडियो से मुस्तफ़ीद हों तो मुझे, मेरी फैमिली को, मेरी मीडिया टीम को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। और वंस अगेन कहूँगा, दोनों वीडियोस हमारे डिफरेंट चैनल्स पे, रज़ा जावा पे भी और शेख जवा रज़ा जावा पे भी, दोनों जगह वीडियोज़ जो हैं मौजूद हैं, जिसमें ग्रहण वाली वीडियो भी है और ये वीडियो भी है, दुआओं की कबूलियत का खास वक्त और खास अमल, और आपके ये हॉरोस्कोप भी जो है यहीं पे अपलोड हो चुके हुए हैं। आप 2021 आपके लिए क्या खबरें लेके आ रहा है, और ये आप इंशाल्लाह उस वीडियो में देख सकेंगे। इजाज़त चाहूँगा, खुदा हाफिज़।